व्यक्ति कृष्ण है जो बोध में जी रहा है। अर्जुन के सामने जो कृष्ण खड़े हुए हैं वो कृष्ण का बस एक विशेष रूप है। और कृष्ण अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं वही रूप हूं पार्थ, तुम जिसको देख रहे हो। अर्जुन तुम मुझे नहीं जानते, मैं वो रूप मात्र नहीं हूं जो तुम्हें दिख रहा है, मैं वो हूं जो रूप से कहीं आगे का है, मैं बोधवान हूं। मुरली होगी, मुकुट होगा, यही भाषा होगी, यही भाव होंगे, क्या यही प्रकृति होगी? बिल्कुल भिन्न होंगे ना, पर फिर भी वो कृष्ण होंगे। क्यों होंगे कृष्ण? क्योंकि बोध है। रूप रंग पे मत चले जाइएगा, बात व्यक्तित्व की नहीं है, बात चेहरे की नहीं है, शरीर की नहीं है, बात बोध की। कृष्ण ने बता दिया तुम अर्जुन समझते नहीं, क्योंकि तुम्हारा वास्ता सिर्फ और सिर्फ पड़ता है देह से। ये बात वो अर्जुन को नहीं समझा रहे, ये बात आप सब अर्जुनों को समझा रहे कि तुम मुझे भी बस एक चेहरा माने बैठे हो। अरे मैं चेहरा नहीं हूं बाबा, मैं चेहरे से बहुत आगे का हूं। मेरे न जाने कितने चेहरे हो चुके हैं। हर बोधवान चेतना का चेहरा, हर प्रबुद्ध चेहरा मेरा ही चेहरा है अर्जुन। कृष्ण समझा रहे हैं कि मैं प्रकृति की धारा के स्रोत पर बैठा हूं और मैं उस धारा के बीच में भी बैठा हूं। बीच में तुम मुझे पाओगे या नहीं पाओगे ये तुम्हारा चुनाव है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युदय होता है, अधर्म सर चढ़ के बोलता है, तब तब मैं उस धारा से अपने आप को प्रकट करता हूं। तो प्रकट होना क्या कृष्ण का फैसला है? नहीं नहीं, कृष्ण का नहीं है, कृष्ण तो है, वो प्रकट होंगे या नहीं होंगे ये आपका फैसला, आपका चुनाव है। हमारा ही अधर्म कृष्ण को प्रकट करता है, वरना कृष्ण के पास कोई कारण नहीं साकार स्वरूप हो जाने का। हाँ, जब आपकी चीख पुकार, आपकी आंखें आपका चुनाव बदल देती है तो सत्य प्रकट हो जाता है। यह फैसला सत्य ने नहीं किया प्रकट होने का, यह फैसला आपने। तो गीता फिर क्या है? पूरी गीता जैसे एक प्रेम पत्र है जो कह रही है कृपा कर दो, कृष्ण को चाह लो। प्रेम पाती भेजी है कृष्ण ने, अरे मैं तो बहुत चाहता हूं तुमको, तुम चाह सकते हो क्या मुझको? यही है भगवद्गीता।